क्या चल रहा है आजकल? फिर से लौट एक नए वीडियो के साथ। आज मैं th9 पे एक फाड़ू सा अटैक दिखाऊंगा जो 16 नंबर ने डार्क में डेविल ने किया था। तो आप देखते रह जाओगे यार। जो बेबी लून होता है ना, बेबी लून मतलब फिशिंग के लिए th9 लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो बेबी लून अटैक से थोड़ा सा बेबी लून भी नहीं कह सकते, क्वीन चार्ज भी था उसके साथ, मतलब फाड़ दिया। जो बेस देख रहे हो मतलब उतना ही मैक्स नहीं था, बस एक्टर का स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा लगा मेरे को थोड़ा सा। आप देखो तो आपको भी अच्छा लगा है, बस ऐसे कोई बेस देखो तो आप भी इस सेम अटैक ट्राई कर सकते हो, कंफर्म 3-स्टार हो सकता है अगर आपका क्वीन वॉक सही किया तो आप देख सकते हो। ये जो बेस है इसमें गो होम भी ईजी होता है, पर क्वीन चार्ज देख सकते हो आपका ट्रूप कॉम्बिनेशन, मतलब 15 बेबी 4 हिलर 12 लोन 7 वॉल ब्रेकर 4 क्वीन चार्ज इस तरह से कर रहा है, मतलब जैसे क्वीन है जो सीसी होता है उसको ले सके, और जैसे कि इस तरह में सबसे मेन चीज़ होता है क्वीन को लेना, एक दो एजी ले लेना और उसके साथ सीसी भी डाउन करना होता है। ऐसे कि आप जैसे पुश करते हो कोई भी th9 से, मतलब उसमें भी सेम ही होता है, बस रेज इतना दो लाइट्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब अगर कोई कभी भी अटैक फंस जाए तो लाइटिंग्स की मदद से वो एडी या कुछ डिफेंस वगैरह तोड़ के पुश कर लेना होता है, क्योंकि जब पुश करते हैं तब तो ऐसे th9 मिलता नहीं है ना, तब तो th10, 11, 12 ऐसा ही मिलता है, तो उसमें परसेंटेज का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बेबी लून अटैक वार में करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसने पूरा फाड़ दिया। आप देखो बस कैसे फाड़ रहा है, मतलब बेबी दो तरफ से बेबी छोड़ दिया है, उसको फाड़ निकल रहा है, सीसी पे निकल आया है, कौन सीसी को ले लेगा, और अभी मैं लगता है वॉल पर छोड़ेगा, वॉल पर छोड़ के छोड़ दिया और सामने वाला वॉल छोड़ेगा, एंड इसने सीसी में इलेक्ट्रोडक लिया है और जिससे बहुत ही ज़्यादा काम आ जाता है। अगर 6 लून कम करके अगर एक लावा ले लेगा तो और भी ज़्यादा काम हो सकता, काम बन सकता है, मतलब अब लास्ट तक देखोगे तो आपको पता लगेगा। इलेक्ट्रोडक यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाया, जितना किया बहुत किया, देख सकते छोड़ दिया, पर उससे भी ज़्यादा कर सकता था इलेक्ट्रोडक, मतलब सामने वाला ये भी ले लेगा। और इलेक्ट्रिक का इधर उधर अगर लावा होता तो जो ब्लैक एयरमैन लावा को टारगेट कर लेता और इलेक्ट्रिक सेव रहता, तो इलेक्ट्रिक उस तरह की यार डिफेंस भी दे देता आसानी से, और इलेक्ट्रिक यहाँ पर मर जाएगा। लेकिन कोई नहीं यार, 30 का कोई नहीं मरने वाला थोड़ी है नहीं इसी से। तो अभी अभी तक भी कोई ना वॉक चल रही है, सबसे प्लस पॉइंट की बात यही है, आपको यही ना ध्यान रखना होगा कोई मरना नहीं चाहिए इस अटैक पर, जितना बचेगा उतना ही चांसेस आपको 3-स्टार होने के लिए आसानी होगा आप लोगों को, मतलब इस दर तो कुछ भेजा नहीं है, पर लून को पूरा का पूरा छोड़ दिया, ओवर पावर है पूरा लून, मतलब मर ही नहीं सकता। तो देख सकते हो बेस पूरा का पूरा 3-स्टार हो चुका है कंफर्म, मतलब इस अटैक से ये फाड़ू वाला सेट जो, मतलब अब देख सकते हो जहाँ पर चारों एडी एक तरफ है, कोई नॉक करो दो एडी ले लो या 4 AD ले लो, बस उनकी साइड से अटैक करना स्टार्ट कर दो, मतलब बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, प्लानिंग सही रखना पड़ता है, बस ऐसे ही हो जाता है बस। और देख सकते हो ट्रुप कमीशन बहुत ही बढ़िया था, आप भी अटैक ट्राई करना, कैसा हुआ आपको, कैसा लगा मेरे को बताना। चलो फिर से मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, बात है।